हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल राज इन्फोटेक सर्विस में। और आप देख रहे हैं राज इन्फोटेक सर्विस। आज हम यहां पर बात करेंगे, इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे कि राजस्थान हाई कोर्ट में जो एक वैकेंसी निकली थी चॉपर और ड्राइवर की, तो उसका एडमिट कार्ड कैसे निकालेंगे। उसका एग्ज़ाम आ चुका है, 23 जनवरी को एग्ज़ाम डेट है, तो एडमिट कार्ड जनरेट हो गए हैं। तो हम एडमिट कार्ड निकालने की क्या है पूरी प्रक्रिया, तो जानेंगे डिटेल में इस वीडियो में। तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक। और यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार हो और पहली बार विजिट किया है, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसकी जानकारी मिले आपको सबसे पहले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर गूगल ब्राउज़र में हाई कोर्ट की वेबसाइट ओपन कर लेंगे। तो यहाँ पर टाइप करेंगे हाई कोर्ट राजस्थान, सर्च कर लेंगे। यहाँ पर जो वेबसाइट दिखाई दे रही है आपको, ये फर्स्ट लिंक राजस्थान हाई कोर्ट, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ये राजस्थान हाई कोर्ट की मेन वेबसाइट ओपन हो गई है, आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको रिक्रूटमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर रिक्रूटमेंट यहाँ पर क्लिक करेंगे के बाद सीधा नीचे आएंगे। और यहाँ पर आपको सेकंड नंबर लिंक दिखाई दे रही है, रिक्रूटमेंट चॉपर फॉर राजस्थान हाई कोर्ट एंड ड्राइवर RSJ RSLSA एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट 2020। इस लिंक पर क्लिक करेंगे। फिर से स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देने लग जाएगा एडमिट कार्ड। तो यहाँ पर एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर आपको लॉगिन करना है, तो लॉगिन पर क्लिक करेंगे। और यहाँ पर लॉगिन करने के लिए आपको यहाँ पर यूज़र नेम और पासवर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आपने फॉर्म भरा होगा उस टाइम पर यूज़र नेम और पासवर्ड सेट किया होगा। यदि आपके पास में यूज़र नेम और पासवर्ड नहीं है, तो यहाँ पर फॉरगोट यूज़र नेम और फॉरगोट पासवर्ड का ऑप्शन है। आप यहां से फॉरगोट यूज़र नेम और फॉरगोट पासवर्ड करके भी लॉगिन कर सकते हैं। हमारे पास में पहले से यूज़र नेम और पासवर्ड हैं, तो चलिए हम यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेते हैं। यूज़र नेम और पासवर्ड फिल करने के बाद में यहां पर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे। कैप्चा कोड फिल कर लेंगे, उसके बाद में कैप्चा कोड फिल करने के बाद में लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप असन हाई कोर्ट की वेबसाइट पर आप लॉगिन हो जाओगे। यहाँ पर आपको प्रिंट फॉर्म, एडमिट कार्ड, कुछ इस तरह के ऑप्शन दिखाई देने लग जाएंगे। तो आप यहाँ पर एडमिट कार्ड पर क्लिक करेंगे, आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड होने लग जाएगा। आपका एडमिट कार्ड आप यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे और ये कुछ इस प्रकार से आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। और आप यहाँ से देख सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, अपने मोबाइल में सेव कर सकते हैं। यह एडमिट कार्ड यहाँ पर दो पेज में है, दूसरे पेज में अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश दिया हुआ है और पहले पेज में एडमिट कार्ड है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा और जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ वीडियो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल पर को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।